बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज की जॉब्स के रिलेटेड है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज में असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की जॉब्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशन, जॉब्स और स्कॉलरशिप की अपडेट जो है मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो हैं वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज में असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की जॉब जो है वो ओपन हो चुकी हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2024 है। सबसे पहले जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट की मिनिमम 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम हाइट जो है मेल कैंडिडेट्स की वो 5 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स की 5 फीट 2 इंचेस जो है वो हाइट होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की टोटल 20 सीट्स जो हैं इनके ऊपर जॉब जो हैं वो ओपन है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के लिए जो है तमाम पाकिस्तान के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ASF इंस्पेक्टर की जॉब्स की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट की मिनिमम 14 इयर्स एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है 5 फीट 6 इंचेस जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स की 5 फीट 2 इंचेस जो है वो हाइट होनी चाहिए। और इंस्पेक्टर की जॉब्स के लिए जो है टोटल 56 सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले FPSC की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शोर है डाउनलोड्स का, डाउनलोड्स के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इधर आपको ऑप्शन शोर है फॉर्म्स का, फॉर्म्स के ऑप्शन के ऊपर। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शोर है डाउनलोड्स का, डाउनलोड्स के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इधर आपको ऑप्शन शोर है फॉर्म्स का, फॉर्म्स के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शोर है चलान फॉर्म रिक्रूटमेंट टू बेसिक स्केल 16 एंड अबव, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शोर है अटैचमेंट का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फी वाउचर जो है वो शो हो जाएगा। अपने सबसे पहले इस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर को जो है वो फिलअप करना है। बैंक का नेम जो है अपने वो इंटर करना है, बैंक कोड इंटर करेंगे। इसके बाद अपने बैंक ब्रांच का डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंटर करना है, कैंडिडेट नेम जो है अपने वो इंटर करना है, CNSE नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। नीचे आपको केस नंबर जो है वो एक गिवन है। केस नंबर जो है वो आपने बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से जो है वो चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल बात करें केस नंबर की तो असिस्टेंट डायरेक्टर का केस नंबर जो है वो F4-13/2024-R जो है ये केस नंबर है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का। इसी तरह आपने अगर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने एडवर्टाइजमेंट से चेक करके केस नंबर जो है वो इंटर करेंगे। अगर इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने उसका केस नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद आपने एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ जो है इधर अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंटर करेंगे, अदरवाइज इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो इधर लिखेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने की जो चार्जेस हैं वो 300 रुपीज़ हैं। इधर आपने 300 रुपीज़ जो है वो इंटर करने हैं। नीचे आपने डेट जो है वो इंटर करनी है और फीस जो है वो आपने इंटर करने हैं। और ये फीस जो है आप किसी भी नेशनल बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो है सबमिट करवा सकते हैं। फीस जो है वो सबमिट करवाने के बाद इधर आपने होम के ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है जनरल रिक्रूटमेंट का, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करना है। सबसे पहले अपनी फीस जो है वो आपने लाजमी पे करनी है। फीस पे करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर का और इंस्पेक्टर का। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने उस पोस्ट को जो है वो सबसे पहले सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद CNSE नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट जो है जिस डेट को आपने फीस डिपॉजिट करवाई है बैंक में वो सिलेक्ट करनी है इधर। इसके बाद फीस जो है आपने जो पे की है आपने वो इधर सिलेक्ट कर। इसके बाद आपने बैंक का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। बैंक का नेम सिलेक्ट करने के बाद ब्रांच कोड जो आपने वो इंटर करना है। आपने फीस जो है वो किस सिटी में पे की है आपने उस सिटी का जो नेम है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने डोमिसाइल की इश्योरेंस डेट जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर अपना सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने रिलीजन अपना जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। आप कौन से सिटी में टेस्ट जो है वो देना चाह रहे हैं आप उस सिटी को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंटरव्यू सेंटर जो है आपने वो अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रीड करना है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो आपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने लास्ट डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट की इश्योरेंस डेट जो है अपनी वो इधर इंटर करनी है। इसके बाद अगर आप करंटली कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। नीचे आपने ह्यूमन वेरिफिकेशन जो अपनी वो कंप्लीट करनी है और प्रोसीड टू स्टेप 2 के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपने सबसे पहले पासपोर्ट साइज पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इसके बाद री इंटर करना है अपने CNIC नंबर को, CNIC की डेट ऑफ इशुएंस जो है आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अप्लीकेंट नेम जो आपने वो इंटर करना है, फादर का नेम जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो इंटर करनी है। इसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने वो सिलेक्ट करना है। अदरवाइज नोट क्लेम के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस सेकेंडरी जो अपने वो इंटर करना है। अगर आपकी कोई डिसएबिलिटी है तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है ऐड एजुकेशन का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अपने सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो आपने वो इंटर करनी है, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने इंटर करनी है। इसके बाद FSC की इन्फॉर्मेशन जो आपने वो इंटर करनी है। इसके बाद आपने BA BSc की इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे और BS प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन जो आपने वो इंटर करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो आपने वो इंटर करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो एग्री करना है और सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है प्रिंट का, प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।